नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने की बैठक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, नोटबंदी से देश बर्बादी की कगार पर, जवाब दे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में रैली को किया संबोधित। कहा, अब की बार चोरों के सरदार पर वार, काला धन काला मन दोनों होंगे बाहर। पीएम ने चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का भी किया शिलान्यास। खातों में जमा पैसे को लेकर मायावती ने दी सफाई। कहा, बीएसपी ने नियमों के मुताबिक खाते में पैसा जमा कराया, बीजेपी ने बीएसपी की छवि खराब करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा भी हार जाते मुझसे। इससे पहले एक संदेश में ओबामा ने कहा था, चुनाव में ट्रंप को हरा सकता था। और नोटबंदी के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर दंगल ने की बम्पर कमाई। अब तक भारत में की 106 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई। आमिर खान अभिनीत फिल्म है दंगल। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।